हाय, अभी थोड़ी देर पहले मैं बुक शेल्फ साफ कर रही थी, कुछ ढूंढ रही थी उसमें एक दो बुक्स, एंड देन आई गॉट दिस पेपर। इस पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, तो इस पेज को देख के मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि मैंने क्या लिख रखा है इस पेज पे। तो एक्चुअली ये तब लिखा था मैंने जब एग्ज़ाम से 1 महीना बचा था एग्ज़ाम जाने में। एक्चुअली सिनेरियो उस टाइम पर ये था कि एग्ज़ाम आने में 1 महीना बचा था, सिर्फ 30 days टू गो फॉर एग्ज़ाम्स। और मेरा ऐसा चल रहा था कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, और टू एन एक्सटेंट कि मैं टीवी के सामने बैठी हूँ, चैनल चेंज कर रही हूँ, अननेसेसरली टीवी शोज देख रही हूँ जो मैं कभी देखती भी नहीं हूँ। पर पता नहीं क्यों अंदर से कि बस बुक्स के पास नहीं जाना, ऐसी वाली फीलिंग थी। वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग कि मैं लिटरली किताबों से भाग रही थी, वो वाला सिनेरियो था। मैं बैठी हूँ अपने रूम में तो सिर्फ यूट्यूब स्क्रॉल कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन सब कुछ हटा दिया था, पर तब भी पढ़ नहीं रही। वो एक फीलिंग, बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी कि बस किताबों के पास नहीं जाना, वो एक अजीब सा डर लग रहा था। तो मैंने एक दिन, अब बहुत हो गया था, सिर्फ 30 दिन बचे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैं फिर एक दिन पेपर पेन लेके बैठ गई और मैंने लिखा कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। फिर मैंने नीचे एरो करके लिखा कि मेरा पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है, एंड वॉट इज़ स्टॉपिंग मी राइट नाउ टू गिव माई बेस्ट शॉट। तो मैंने थोड़ा थोड़ा गहन चिंतन करा और मुझे थोड़ा वो उस फीलिंग के मैं और डीप गई कि क्यों ऐसा, 30 दिन में पेपर है, मैं क्यों नहीं पढ़ना चाह रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई फिर कि मैंने इसमें लिखा है कि फियर ऑफ लेस टाइम लेफ्ट, कि मुझे ऐसा लग रहा था, डर इस चीज़ का लग रहा था कि सिर्फ 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में मैं क्या कर लूँगी, इतना सारा सिलेबस है, इसको कैसे कवर करूँगी। तो ये डर इतना बढ़ गया था अंदर कि वो डर अब मुझे मेरा बेस्ट शॉट देने से रोक रहा था, वो मुझे पढ़ने से ही रोक रहा था। वो डर इतना बड़ा हो गया था कि वो चीज़ मेरे दिमाग पे हावी हो गई थी कि नेहा अब पढ़ कर तो कुछ पाएगी नहीं, 30 दिन में क्या कर लेगी, इतना ह्यूज सिलेबस है, 30 दिन कुछ होते हैं क्या, लोग 6-6 महीने पढ़ते हैं, तब जाके भी बहुत लोगों का मैंने देखा है वो क्वालिफाई नहीं होते, तो तू ऐसा क्या कर लेगी 30 दिन में। तो फिर मैंने उसके आगे लिखा कि एवरी सेकेंड काउंट्स, अगर आज भी मैं बैठ कर एक एक मिनट का ध्यान रखने लगूँ तो 30 दिन कोई कम नहीं है। और फिर मैंने उसमें पूरा एग्जाम्पल लिखा है आगे, प्रॉपरली लिखा है मैंने एग्जाम्पल कि जब एग्जाम से एक दिन पहले हमें 1.5 डे मिलता है, क्या उस टाइम हम बैठ के टीवी शोज देखते हैं, यूट्यूब पे अननेसेसरली स्क्रॉल करते हैं? नहीं करते, क्योंकि उस मोमेंट हमें पता होता है कि इस 1.5 दिन में एक एक मिनट और एक एक सेकेंड की वैल्यू है, ये मेरा आने वाला पेपर अफेक्ट कर देगा अगर मैंने इस मोमेंट अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। तो जो डिसिप्लिन चाहिए और पढ़ाई के लिए जोश चाहिए वो अपने आप आता है उस 1.5 दिन में, क्योंकि पता है दिमाग को कि भाई पेपर है, पढ़ना ही पढ़ना है। पर 30 दिन पहले हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये डर लग रहा है, वो डर लग रहा है। तो इस चीज़ को मैंने ये लिखा और फिर मैं थोड़ा कन्विंस हो गई कि हाँ ठीक है, 30 दिन को इतने कम भी नहीं है। अगर मैं आज से, अभी से अपने एक एक सेकंड का ध्यान रखूँ कि मैं बस ये देखूँ कि मैं ये वाला सेकंड कहाँ यूज़ कर रही हूँ, या मैंने अपना ये वाला टाइम कहाँ यूटिलाइज़ करा, ऐसे अगर मैं हर मिनट का ध्यान रखने लग जाऊँ कि मैं कॉन्शियस हो जाऊँ उस चीज़ को लेकर कि मैं उसे कहाँ यूज़ कर रही हूँ, तो इट विल टेक केयर ऑफ माई 30 डेज अगर मैं अभी एक एक मिनट का ध्यान रखने लगूँ। तो मुझे लगा हाँ भाई बात तो सही है। अगर कोई, फिर मैंने उसमें लिखा है कि अभी अभी तो इमिडिएटली क्या कर सकती है कि 30 मिनट्स का अपना टाइमर लगा के बैठ जा और लॉ की बुक ले ले साथ में, और ये देख कि 30 मिनट में भी अगर टाइमर लगा के और मैं पूरे फोकस के साथ पढ़ूँ तो 30 मिनट्स में भी मैं कितना कुछ कवर कर लूँगी। तो 30 दिन तो बहुत है। तो वैसे मैंने लिखा और मैं थोड़ा कन्विंस हो गई। फिर तब भी कुछ एक और फीलिंग लग रही थी कि कुछ और भी मुझे रोक रहा है, तो मैंने और सेकेंड लिखा है कि गिल्ट ऑफ नॉट रिवाइजिंग एनफ टिल नाउ। और बहुत बार क्या होता है कि हमें ना एक गिल्ट होता है, हम जैसे रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आते ही हम पढ़ने नहीं बैठ पाते, और ये मतलब नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जब हम पहले पढ़ रहे थे एग्जाम से पहले पूरा वो एक मोमेंटम बना हुआ था तो हम उसमें पढ़ पा रहे थे इजीली, फिर वो थोड़ा ब्रेक हो गया तो अब टाइम चाहिए हमें वापस से उस साइकिल, वापस पढ़ने वाली साइकिल में आने के लिए। तो मैंने लिखा है कि मुझे बहुत गिल्ट है इस चीज़ का कि मैंने शुरू का टाइम ख़राब कर दिया है और इसकी वजह से मैं अब नहीं पढ़ पा रही हूँ, कि मैंने पिछले 60 दिन ख़राब कर दिए, मैं अब 30 दिन में क्या कर लूँगी। फिर मैंने इसके आगे लिखा ओके, सो कैन यू डू समथिंग अबाउट इट नाउ, तो नहीं कर सकती। फिर मैंने आगे लिखा कि नहीं, क्योंकि मैं अब जो पीछे के दिन चले गए अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने लिखा कि अब नहीं कर सकती उसका, तो उसको छोड़ो जो 30 दिन, जो 60 दिन चले गए, अब क्या कर सकते हो। फिर मैंने उसमें प्रॉपरली लिखा, फिर आगे मैंने पूरा सिलेबस लिख रखा है कि मेरे इतने इतने चैप्टर्स हैं, इसमें मैंने इतना इतना पढ़ रखा है, इसको मुझे और कितना कितना पढ़ना है, और मैं अब कैसे आगे 30 दिन आगे प्लान कर सकती हूँ। तो इस चीज़ से आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। इसमें मेन पॉइंट ये है कि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, अब से पहले क्या हो रहा था कि मैं ना कुछ दिक्कत हुई, ज़रा सी कुछ प्रॉब्लम हुई, आई यूज़ टू कॉल एनी ऑफ माई फ्रेंड और मैं उससे डिस्कस कर लेती थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ,
पर इससे क्या हो रहा था कि कभी भी ना मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, मतलब लगा नहीं कि जो आंसर मैं ढूंढ रही थी ये वही आंसर है। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने ना खुद से चीज़ें रियलाइज़ करना शुरू करा, मतलब आई यूज़ टू सिट विद माई सेल्फ और पेपर पेन लेकर मैं पेपर पे सोचना शुरू करा। तो एक चीज़ जो आप इससे समझ सकते हैं और अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट थिंकिंग ऑन पेपर। पेपर पे सोचें कि आपको क्या इशू है, एग्जैक्टली आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। आप क्या करें कि टेक अ पेपर, उसको दो पार्ट में बाइफोकेट कर लें, और अभी आपकी लाइफ में जो भी इशू चल रहे हैं आपके दिमाग में, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 10 इशू चल रहे हैं यहाँ पे, वो 10 के 10 इशू, चाहे वो छोटे से छोटा इशू भी क्यों ना हो कि उसने मुझे ये कह दिया और मैं इफेक्ट हो गई और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, उसे लिखो, सारे इशूज़ को लाइन बाय लाइन सारे इशूज़ लिख लो। उसके आगे ये देखो, थोड़ा एनालाइज करो कि क्या आप उसके बारे में अभी कुछ कर सकते हो। अब एक इशू आपको इसमें ये हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि पेपर बहुत टफ आएगा आगे, ठीक है टफ आएगा, ये आपका इशू है, आप इसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे, पर क्या आप टफ पेपर के लिए अभी कुछ कर सकते हो? आप सिर्फ पढ़ सकते हो अभी, और बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, और जितना आपके कंट्रोल में है अभी आप उतना सब पढ़ सकते हो, पर पेपर कल को कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा ये तो आपके हाथ में है ही नहीं, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसको आप छोड़ दो, और कोई और इशू है कि जैसे मैं पढ़ने नहीं बैठ पा रही, या मैंने जो प्लान बनाया था वो मेरा फॉलो नहीं हो पा रहा, मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, तो मैं बहुत वरीड हूँ उस चीज़ को लेके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा प्लान को फ्लेक्सिबल करो अपने और ख़ुद को। जैसे मैंने वो करा था, 30 मिनट टाइमर लगा के मैं बैठ गई थी, ऐसे खुद को करो कि अपने दिमाग से हो कि चलो 30 मिनट्स बैठ के देखते हैं पढ़ के कैसा लगता है, मैं सिर्फ 30 मिनट्स ही लॉ पढ़ूंगी, या मैं सिर्फ बैठ के 25 मिनट्स ही ऑडिट या लॉ पढ़ूंगी, तो उतना टाइमर लगा के बैठ जाओ। उससे क्या होगा, जब आप एक बार अपने माइंड को कन्विंस करके पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा उससे, फिर आप और 25 मिनट्स या 30 मिनट्स का टाइमर लगा लो, थोड़ा स्ट्रेच कर लो उसे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पहले आप देखो कि सारे जॉट डाउन करके कि आपके क्या इश्यूज़ हैं जो आपको बॉदर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट लिखो कि आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकते ना, फिर यार सोच के भी क्या ही कर लोगे, फिर दिमाग में उस चीज़ को स्पेस क्यों देना आप जिसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो नहीं कर सकते तो उसे तो छोड़ दो, और अगर कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, बेयर मिनिमम या एक बेबी स्टेप उस चीज़ के लिए आप क्या ले सकते हो वो लिखो। और आप अगर खुद खुद से बैठ के चीज़ें थोड़ा सोच के करोगे ना, तो आपको पता चलेगा, आप खुद से एनालाइज कर पाओगे कि मैं इस चीज़ के लिए अभी बेबी स्टेप क्या ले सकती हूँ। तो ये चीज़ करना शुरू करो। कोई आपको ऐप बॉदर कर रही है, आप उसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे, अनइंस्टॉल कर दो ना, क्या क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर आप 30 दिन तक कुछ यूज़ नहीं करोगे कोई ऐप, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे, कुछ भी नहीं पड़ेगा। मैंने अपना इंस्टा का पेज बनाया था, और उस टाइम पर मैंने लॉकडाउन में बनाया था, और बड़ी मुश्किल से मेरे 700-750 फॉलोअर्स हुए थे, और मुझे इतना लग रहा था कि शिट यार, अगर मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया तो मेरे सारे फॉलोअर्स 0 हो जाएंगे, और आई नो कि कितनी छोटी सी बात है यार, 750 फॉलोअर्स के लिए कोई ऐसे सोचता है क्या, पर मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ा इशू था कि मैंने अपना राइटिंग पेज बनाया, 750 फॉलोअर्स तो 0 हो जाएंगे। फिर एक दिन मैं टेरेस पे वॉक कर रही थी, मैंने सोचा क्या हो जाएगा, मतलब बहुत हद क्या हो जाएगा अगर मैंने व्हाट्सअप अनइंस्टॉल कर दिया, सब हटा दिया, कुछ पोस्ट नहीं करा, और पेज पे 0 फॉलोअर्स हो गए मान लो, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा मुझे इससे, दूसरा पेज शुरू कर लूँगी, फिर से लिख लूँगी। किसी के लिए कितना छोटा इशू होगा, पर मेरे लिए उस टाइम में बहुत बड़ा इशू था, पर मैंने उसका सोल्यूशन निकाला ना कि ठीक है ना, कर दो अनइंस्टॉल, दोबारा से बना लेंगे पेज, दोबारा से लिख लेंगे, क्या हो गया। तो वो इशू ना चाहे बहुत छोटा होगा किसी और के लिए, और आपके लिए भी, अगर आप 6 महीने बाद उस इशू को सोचो तो लगेगा कितनी छोटी सी बात थी ये, पर क्योंकि अभी ना आप सिर्फ उतने दायरे में सोच रहे हो तो अभी वो बहुत बड़ी बात लग रही है आपको। तो थोड़ा खुद को एक एक्सट्रीम सोच के देखो क्या हो जाएगा, मतलब अगर कोई भी इशू है, अगर वो इधर हो गया थोड़ा उधर हो गया तो वॉट मैक्सिमम विल गो रॉन्ग, ऐसे सोचो और आराम से पढ़ाई करो। और जो लगता है ना कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करूँ, मेरा बहुत टाइम ऐसे मुझे लग रहा है कि सिर्फ टाइम जा रहा है, इसमें क्या करूँ, तो मैंने क्या सोचा था, जो मेरा अभी लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने ये सोचा था कि नेहा ये ना सोच के रख ले कि ये जो पेपर है 2 महीने बाद, ये मैं आखिरी बार दे रही हूँ, अब मैं इसमें या तो सीए बनूंगी या मैं हमेशा के लिए सीए क्विट कर दूंगी, मैं जिंदगी में कभी दोबारा पेपर नहीं दूंगी इसके, कभी नहीं। तो अब मेरे माइंड में ऐसा, मैंने खुद से, मतलब ऐसा वो कहते हैं ना, मैंने वचन लिया, तो ये मैंने खुद से बोल दिया था, मैंने घर पे भी बोल दिया था कि मैं अब इस बार पेपर दे रही हूँ। क्योंकि मेरा ना 2 बार से क्या हो रहा था, मैंने एक बार 404 स्कोर करा और मेरे ग्रुप 1 में मार्क्स 195, मेरा FR उस टाइम पर एग्जेम्प्ट था, और मेरे लॉ में 57 मार्क्स थे, मतलब उसमें भी एग्जेम्प्शन नहीं आई, और 195 पे मैं ग्रुप 1 फेल, और उसके बाद मैंने अपियर करा 193 पे मैं फिर ग्रुप 1 फेल।
तो मैं इतनी इरिटेट हो चुकी थी ना इस बात से कि मैंने इस बार घर पे बोल दिया था कि या तो मैं इस बार सीए बनूंगी या मैं जिंदगी भर के लिए छोड़ दूंगी, भले ही मेरा एक ग्रुप क्लियर है, एक नहीं वो मैं दूंगी ही नहीं। अब इससे क्या हुआ, आपके माइंड को मिलता है क्लियर इंडिकेशन कि अब बस जो है यही है, जो करना है अभी करना है। तो ये एक देख रहे हो कितना एक्सट्रीम चीज़ है। इससे क्या हुआ कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं पढ़ नहीं पा रही, मैं टीवी देख रही हूँ, मैं फ़ोन चला रही हूँ, इससे बाइफर्केशन चीज़ हो गई कि 2 महीने वर्सेस द होल लाइफ। तो कुछ चीज़ अगर मैं सिर्फ ये 2 महीने ही है मेरे पास करने के लिए, मैं अपने फ़ोन पूरी ज़िंदगी बची है उसमें चला सकती हूँ, कोई मेरा फेवरेट टीवी शो है मैं उसे बाद में देख सकती हूँ, कोई मेरा दोस्त है जिससे मैं मिलने नहीं जा पा रही या मैं जिससे बात नहीं कर पा रही उससे मैं बाद में कर सकती हूँ, सब कुछ बाद में हो सकता है, वो चीज़ इंतज़ार कर सकती है। पर ये जो मेरा सीए का एग्ज़ाम है ये सिर्फ मैं 2 महीने पढ़ने वाली हूँ, उसके लिए पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ूंगी दोबारा, मुझे इन बुक्स को दोबारा देखना ही नहीं है, तो जो करना है अभी करना है। तो वो इंडिकेशन जब मैंने खुद अपने माइंड को दिया तो फिर तब फिर थोड़ा मुझे खुद से, जब ऐसे हम शब्द बोलते हैं ना खुद से जैसे डिटर्मिनेशन से फील होता है, तो फिर मैंने उसको आराम से पढ़ा। फिर कभी कभी थोड़ा इधर उधर होता था तो आई यूज़ टू रिकॉल या रिमाइंड माई सेल्फ कि नहीं, हाँ बस 2 महीने हैं, 2 महीने वर्सेज योर होल लाइफ, ये चीज़ अगर वेट कर सकती है तो उसे फिर बाद में ही करेंगे, बाद में देखेंगे। जो भी मैं मुझे वीडियोज़ बनानी थी या मुझे कॉन्टेंट लिखना था, मैंने कहा ये सब कुछ बाद में कर लूँगी।